नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रह के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे मंत्र की, एक ऐसे स्तोत्र की चर्चा करने जा रहा हूं जिस स्तोत्र के करने मात्र से आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। यदि कोई बहुत लंबे समय से बीमार है और इस स्तोत्र का पाठ अगर कोई व्यक्ति करता है तो रोग से मुक्ति हो सकती है, कर्ज से मुक्ति हो सकती है, धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, लंबी आयु प्राप्त हो सकती है और जीवन में संतुलन की स्थिति आ सकती है। जीवन में सुख संपत्ति, यश कीर्ति, वैभव, ये सब कुछ सहज ही आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस स्तोत्र को करने के लिए कुछ नियम हैं जिनकी चर्चा भी मैं आपसे करूंगा। इस स्तोत्र को आपको 3 बार करना है, 3 संध्याओं में, यानी प्रातःकालीन संध्या, मध्यान्हकालीन संध्या और संध्या जो सूर्यास्त के बाद होती है, उस संध्या में या सूर्यास्त के समय जो होती है, उन 3 काल में आपको करना है। समय का ध्यान रखें, समय को आप परिवर्तित न करें। ऐसा नहीं कि आज इतने बजे कर लिया, कल समय बदल दिया, परसों समय फिर बदल दिया। ये कुछ नियम हैं और इसके अतिरिक्त आपको मन, वचन और कर्म से पवित्र भाव से रहना है, क्योंकि ये माँ भगवती का, साक्षात महाकाली का ऐसा स्तोत्र है जो प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के श्रीमुख से निकला है। इसलिए इन नियमों का पालन करते हुए, सदाचारी रहकर, दूसरे की बुराई न करके सकारात्मक रहकर, अगर आप इस स्तोत्र को नियमित जाप करते हैं, अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके लाभ मिलेंगे। अब इसको हम जान लेते हैं कि स्तोत्र आखिर है क्या। इसका नाम है कवच। जी हाँ, दुर्गा सप्तशती जो माँ भगवती की एक पवित्र पुस्तक है जिसमें उनके गुणानुवादों का वर्णन है, उसमें सबसे पहला स्तोत्र जो दिया हुआ है वो कवच ही है। तो इसको आप ग्रहण कीजिए। अगर आप इसे नित्य प्रति सुनते भी हैं, जैसा मैं आपसे इस वीडियो में बोलने जा रहा हूँ, अगर आप इसका श्रवण करते हैं, इस वीडियो को सुनते हैं, तो भी आपको उससे निश्चित लाभ प्राप्त होगा। तो आइए इस पवित्र कवच स्तोत्र को आप ग्रहण कीजिए, आप श्रवण कीजिए। ओम अस्य श्री चंडी कवचश्च ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद है चामुंडा देवतांगन्या सोक्त मात्रो बीजम दिगबंध देवतास्तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग है। ओम नमः चंडिकाय। ओम यद्गुहम परमलोके सर्वरक्षाकरम नृणाम यन्य कस्य चिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह अस्ति गुहितमम विप्र सर्वभूतोपकारकम देव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छृणुषु महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेत कूष्मांडेत चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेत षष्ठं कात्यायनीत च सप्तमं कालरात्रीत महागौरीत चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः उक्तान्येताय नामानि ब्रह्मणयो महात्मना अग्निना दह्मे मानस्तु शत्रु मध्येकतुरणे विश्वे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गतः न तेषां जायते किंचित् शुभम रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःख भयं नहि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वाम स्मरंत देवेश रक्षसे तान संशय प्रिय संस्था चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगज समारूढ़ वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्त हर प्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्र है सर्वा सर्वयोग समन्विता
नानाभरण शोभाढ़ नानारत्नोपशोभितः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्य क्रोध समाकुला शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम च मुसलायुधम खेटकम तोमरम चयु परशुम पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च शारंगम आयुधमत्वम दैत्यानाम देहनाशाय भक्तानाम भयाय च धारयन्ते आयुधानित्थम देवानाम च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महावे विनाशिने त्राहिमा देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रुणाम भयवर्धनी प्राक्ष्याम रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयामग्न देवता दक्षिण तो वाराही नैरृत्याम खड़गधारणी प्रतीक्षाम वारुणी रक्षेद वायव्याम मृगवाहिनी उदीक्षाम पात कौमारी अशान्याम शूलधारिणी ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षेद स्ताद वैष्णवी तथा एवं दस दिशो रक्षे चामुंडा शव वाहना जया में चाग्रत है पात विजया पात पृष्ठत है अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखाम उद्यौतिनी रक्षेद वाम मूर्धन व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर मध्ये यमघंटा च नासिके शंखिनी चक्षुर मध्ये श्रोत्रयोर्द्वार वासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी नासिकायाम सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायाम च सरस्वती दंतान रक्षत कौमारी कंठ देशेतु चंडिका घंटिकाम चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकम रक्षेद वाचम्य सर्वमंगला ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वैकंठे नलिकाम नलकूबरी स्कंधयोः खड्गिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रक्षेद अंबिका चांगकुलेषु च नखांक्षूलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यम गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रम गुदे महेशवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फ योरनार सिंह च पाद पृष्ठे तेजसी पादांगुलीश्वरी रक्षेत पादाधस्थलवासिनी नखांदंष्ट्रा कराली च केशांश्चैवर्धकेशिनी रोमकूपेश कौबेरी त्वचंग वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वसामा सान्यस्त मेदांस पार्वते अंतराण काल रात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि इस्तथा ज्वालामुखीन खज्वालां भेद्या सर्वसंधिषु शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षेत छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धिम रक्षेन में धर्मधारिणी प्राणापानोथा व्यान मदानम च समानकम धारयन्ते प्राणापानोथा व्यान मदानम च समानकम वज्रहस्ता च में रक्षेत प्राण कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेत नारायण सदा आयु रक्षत वाराही धनं रक्षत वैष्णवी यश कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणि गोत्रमिन्द्राणि में रक्षेत पशून में रक्ष चंडके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मीर भार्यां रक्षत भैरवी पंथानं सुपथा रक्षेन मार्गं क्षेम करि तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं च यतस्थानं वर्जितं कवचेन तो तत्सर्वं रक्ष्मे देवी जयंती पापनाशिनी पद्मेकम न गच्छेत् यदि क्षेक्षु भमात्मन है कवचेना वृतो नित्यम यत्र यत्र अवगच्छते तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयो सार्व कामिक है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरे मतुरम प्राप्य सते भूतले पुमान निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेशु पराजितः त्रैलोक्य तो भवेत पूज्य कवचेना वृत पुमान इदम तो देभ्या कवचम देवानापि दुर्लभम यह पठेत प्रयतो नित्यम संध्यम श्रद्धावंति दैवी कला भवितस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद वर्षतम सागरम मृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयो सर्वे लूता विस्फोटका देह स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चापि यदुषम अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशकः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकनिश्च महाबलः ग्रहभूत साचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसः ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवा देह नश्यंत दर्शना तस्य कवचे हृदय संग स्थिते मानोन्नत्र भवेद राज्ञस्तेजो वृद्धि करम परम यशसा वर्धते सोप कीर्तिमंडित भूतले जपेत सप्तसतीम चंडीम कृत्वा तु कवचम पुरा यावद भूमंडलम धत्ते सशैलमन कानन तावत तिष्ठत मेदन्याम संतति पुत्र पौत्र की देहांते परमम स्थानम यत सुरैरप दुर्लभम प्राप्नोत पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादते लभते परम रूपम शिवेन सह मोदते। ओ ये कवच है, इसका पाठ आप यदि तीन काल में करते हैं तो निश्चित रूप से इससे जो मिलने वाले लाभ हैं वो आपको अवश्य मिलेंगे, लेकिन जो नियम हैं उनका पालन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप हमसे कवच ग्रहण कर सकते हैं और उस कवच को ग्रहण करके अपने जीवन में उसे आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसे आप निरंतर सुन भी सकते हैं, सुनने से भी आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर एक नया टॉपिक एक नई बात
आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि अब आप किस पर वीडियो चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।